कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। कनेक्ट नहीं हो रहा है? रामायण तो नहीं लग रही है, मतलब जो हम देखते हैं वैसा टाइप का जो हमने बचपन में देखी है वैसा कुछ तो नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ जी पापा जी, क्या चल रहा है? पैन केक, पराठे छोड़ के पैन केक चल रहे हैं जी। देसी घी के पराठे छोड़ के पैन केक पराठे हो गए। सिल्विया ने बनाया ये पैन केक, इसके अंदर क्रीम और क्या बोलते हैं वो, कॉटेज चीज जैसा स्टफ है इसके अंदर। अच्छा, कैसा है एक्सपीरियंस, कैसी है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। पहली आप तो पहली बार खा रहे हैं? पहली बार खा रही हूं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अंदर फिर वो ब्लूबेरीज भी डाली हुई है अंदर ना, ब्लूबेरीज डाली है, रास्पबेरी है और ऊपर स्ट्रॉबेरी का जैम है। सिल्विया जी, टिकट्स डन? आदि पुरुष, या टिकट्स बुक्ड, आई बुक्ड फोर ऑफ देम एंड इट लुक्स लाइक द सिनेमा इज जस्ट फॉर अस। जस्ट फॉर अस? कितने, हाउ मेनी पीपल आर देयर? I don't know, like 10 people in. 10 people are inside, that's yeah. it. 10 hi log ja rahe dekhne. Are bhai, Saturday hai aaj to. I was expecting more rush. No, maybe at this time, you know, maybe there will be more rush in the evening. To breakfast khatam hone ke baad seedha lunch pe aa gaye, kyunki breakfast pe kafi late kiya tha, but yaar hum ja rahe hain movie dekhne, to maine kaha yaar inko thoda khila ke jaate hain pehle hi, otherwise wahan pe kya hi pet bharega inka popcorn se, samajh rahe ho? To humne banayi hai, I mean Sylvia ne banayi hai, main bas last wo de raha hu. Are bhai, roti chal gayi maa kasam. तो हाँ, हमने बनाया है पनीर और पालक और मटर। तो सर जी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पिक्चर से? आदि पुरुष, इट्स बेस्ड ऑन रामायण बेसिकली। देखने के बाद ही पता लगेगा। होना तो चाहिए रामायण के करीब, जो हमने रामायण सीरियल देखा है। हाँ, बचपन में जो उसमें रामायण सागर का, उसी से मिलता जुलता होगा। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का एकदम थोड़ा चिल्ड सा व्लॉग एज यूजुअल है हमारा, बट ऑल्सो येस्टरडे आदि पुरुष रिलीज हुई है यहाँ पे, तो हमने सोचा आज फैमिली के साथ चलते हैं, छोटी आउटिंग भी हो जाएगी। ये मूवी रामायण पे बेस है, मैंने कहा ये अच्छा ओकेजन है इनको साथ लेने का। हम कौन होते हैं रामायण को रिव्यू करने वाले, बट आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट कि रामायण की जो डिपिक्शन हुई है, बिकॉज ये सब हमारे कल्चर के बारे में है, तो वो डिपिक्शन वैसी ही हो जैसी यू नो किताबों में है, तो वो फ्रॉम दैट एंगल में भी यू नो वी कैन give our opinion about the movie Ramayana. I mean, you remember we went to that Ram Mandir, Rama God, you know, that we have. So it's basically based on the Rama God. So we have this book, you know, like every religion has their book. So our book, one of our books is Ramayana. I think it'll have subtitles also. Or hope it will have subtitles. Yeah, otherwise Sylvia thoda samajh nahi payegi kuch bhi. Sylvia ji पॉपकॉर्न के बजाय कह रही है कि विल टेक मखाना फॉर सिनेमा हॉल। यहाँ के सिनेमा में तो अलाउड है ना, यू कैन टेक एवरीथिंग, अंदर ले जा सकते हो आप खाना वाना ना यहाँ पे। तो सिल्विया जी कह रही है मखाने लेके चलते हैं। बट एक्चुअली इसको मखानों को अगर आप इसमें दूध में डालो ना यार, क्या स्वाद आता है इसका। हाँ, आप भी खाते हो? अच्छा, ये मैं खाती हूँ, इनको भी दिया था मैंने, बट बड़ा टेस्टी, मुझे तो बड़ा टेस्टी लगता है यार। लेग स्पेस है ना? हाँ। चलो गर्मी हम लोग ओवर एग्जैजरेट करते हैं, आप बताओ। तो आप पीक समर में आए हो यहाँ पे, कि गर्मी लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती, मुझे नहीं लगती। नहीं लगती नहीं। जब मैं पहले आई थी ना, पहले आते थे या 18 में मैं आई थी, तो उस टाइम से तो बहुत गर्मी थी। हाँ, उस टाइम तो वो हीट वेव आ गई थी ना, वो तो मुझे, जब हम बीच चले गए, बहुत उस टाइम तो बहुत, उस टाइम 35 तक 34 तक पहुंच गया था टेम्परेचर, बहुत गर्मी लगी थी उस टाइम। जब भी ये लोग आते हैं समर टाइम पे, हमेशा मैं बोलता हूँ इनको कि कपड़े बिल्कुल वो गर्मी वाले लाना, क्योंकि यहाँ गर्मी अच्छी खासी है। आज भी मोटे मोटे कपड़े लाए हैं इन्होंने, पहनेगा कोई नहीं। लंदन की तो मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि यहाँ जो मकान है, एक ही इसमें सिमेट्री में सारे के सारे, ना ऊंचा ना नीचे, हाई राइज नहीं है, बड़े क्यूट क्यूट से वो तो है। वो लंदन यूके की खासियत है, यहाँ पे वो पूरा प्रिजर्व रखते हैं। काफी लिस्टेड अपॉइंट वो होती है बिल्डिंग्स ना, कुछ कुछ बिल्डिंग्स तो आप तोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो इतनी पुरानी है, तो उनका वो जब जैसे कोई नई बिल्डिंग बनाता है ना, तो उनको कोई प्लानिंग करते हैं,
तो उनको अलाउड भी नहीं होता है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन का बनाने का, बिकॉज इट विल स्पॉइल द एस्थेटिक्स ऑफ द होल एरिया. बहुत ही सुंदर लगता है. चलो जी आ गए जी पार्किंग. ये पार्किंग बड़ी डिफिकल्ट है यार, इतनी नैरो है ना ये. ओह इसको ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, मैं तो सीधा कर दे, सीधा सीधा डाल दे. वाह क्या नसीब है. वाह हाँ जी पापा क्या कह रहे हैं. बड़ा प्लेजेंट है, बहुत प्लेजेंट है. चलो नाइस. अभी दिल्ली में तो कितना 45 हो गया, 45 47 था अभी. 47 अच्छा. भीड़ तो लग नहीं रही यार इतनी, है ना, कुछ लग रहा कोई आया ही नहीं है भाई. ऊपर से सैटरडे है यार. यूजुअली मतलब अगर आप देखो फॉरेन सिनेमाज जो होते हैं, मतलब बॉलीवुड मूवीज जब लगती हैं तो हाफ मतलब फुल तो होता ही है फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट वीक में. लेकिन मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है अभी. भाई देख लो ये बड़ी भी है भाई, एक दो I don't know. Should we take the last one for better viewing? Yeah, so the back is good. Yeah. What is the purple one? Is it icon already? Yeah, that's for disabled. Yeah, probably let's take the 12-13, isn't it? Mil gayi ji ticket. Silve ji ko thoda discount bhi milta hai tickets pe. She gets some. She has some. I don't know. Things she has. जिससे उसको कुछ medical का इसका है. चलो फिर ready हैं जी. चलिए फिर. चलो. हाँ आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ? आप यहीं बैठोगे क्या? Theater picture नहीं देखने वाले? हाँ खाली हो गया होगा, 10-15 मिनट का है तो बैठेंगे ना, थोड़ा एडवेट भी तो देखेंगे. इनके नाटक खत्म नहीं होते हैं औरतों के, एंड टाइम पे इनको टॉयलेट जाना होता है. ये क्या सिस्टम, क्या आपके साथ भी होता है क्या? मेरे साथ है. आपके साथ भी होता है? आदमी कितना वेट करेगा यार, हम मर्द क्या मतलब वेट करने के लिए ही पैदा हुए हैं. और क्या. पापा एकदम डिप्लोमेटिक हो रहे, पता है ना पापा. मम्मी ने भी वीडियो देखना भाई, ये बंदा है सेफ. ये होती है सेफ गेम. वाह स्क्रीन नंबर 8. या दिस वन. ये आदि पुरुष लिखा होगा इस पे ऊपर ना. इज इट रिटन? लिखा नहीं है बट आई थिंक दे सेड दिस ओनली. यस इट्स रिटन हियर 8. हां आइए जी. चलिए जी चलिए. रोज से टॉप वाली है. ओए तो पूरे खा लिए. ये लो भाई देख लिया, आप लोगों के लिए पूरा थिएटर बुक कर दिया मैंने. ये लो भाई और कोई है ही नहीं, थिएटर ही खाली है भाई. वो है दो तीन लोग हैं, सिर्फ 4 लोग बैठे हैं. चार लोग ही बैठे हैं हॉल पे. देख लिया फुल थिएटर बुक करा दिया आप लोगों के लिए मैंने. ये होती है एक्सपीरियंस वाला. खाओ पियो अब, निकालो सब कुछ. चलो हो गया जी इंटरवल. खास मजा नहीं आया मुझे. अभी देखते हैं पूरा क्या है, फिर बाद में पूरा रिव्यू. अरे आप तो गुस्से में आ गए. कुछ ऐसा नहीं, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. कनेक्ट नहीं हो रहा है. आई थिंक थोड़े से लोग आए थे, आई थिंक चले गए. अब कितने हैं? 10 लोग भी नहीं मुझे लग रहा है. संगीत बेचारों के. हां संगीत नहीं नहीं सोए नहीं, सोया कोई नहीं है, देख तो सब रहे हैं, ऐसा नहीं है. हाँ मम्मी तू तो सो गई थी बीच में. नहीं बट इतना हो था कनेक्शन, कुछ नहीं लगा. हाँ मुझे तो कुछ लगा, मज़ा नहीं आया. अच्छा चलो पूरा देखेंगे फिर बात करेंगे. रामायण तो नहीं लग रही है, मतलब जो हम देखते हैं वैसा टाइप का जो हमने बचपन में देखी है वैसा कुछ तो नहीं लग रहा है मेरे को. कुछ खाओगे क्या? नहीं नाचोज लाओ. नाचोज है? नाचोज नहीं नहीं थैंक यू. तो बहुत महंगा यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. 10-12 पाउंड का आ गया यार. वो चुल होती है ना भाई, यहाँ से कुछ खरीदो ना तो ऐसा लगता नहीं कि यू आर कम टू द मूवीज. नो हाउ मच डिस्कस्टिंग. हां आई नो दिस वन टेक्सचर टेस्ट लाइक दिस 50p वंस ना. नॉट इवन लाइक डोरिटोस. हां असली वाली भी लग रही है. हाउ मच डिड यू पे भाई? 1200 रुपया. 1200 चल चल चल. सिल्विया का बीपी हाई हो गया. चल चल चल. मैं कह रहा हूँ इसके बदले कोई इंग्लिश मूवी दिखानी थी. इसका ना सिर है ना पाँव. चलो ये हो गई खत्म. लेट हो गया यार. पापा से हेडेक. फादर से हेडेक. हेडेक. मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा जो हमने देखा है. ऐसा कुछ नहीं था. जिसने पहली वाली मूवी देखी होगी रामायण पर डेफिनेटली ही विल नॉट लाइक इट, क्योंकि उसमें ना उसकी स्टोरी अलग है. मुझे लग रहा है कि उसकी स्टोरी भी अलग. स्टोरी भी चेंज, थोड़े से चेंजेस किए हैं. अच्छा. व्हाट वी हैव विटनेस्ड रामायण अबाउट 30 इयर्स बैक, इट इज
neither it relates anything about that. That is. Yeah, but storyline का थोड़ा pattern तो वही है. कुछ नहीं है ही नहीं कुछ. ये देखो ये जो इन्होंने ये characters लाए हैं. ये भी totally different है. इसमें जो भाषा जो use की गई है वो तू तला की भाषा use की, तो मुझे लगता है वो उस टाइम जब हमने रामायण देखी थी तो वो बहुत ही अच्छी थी, जिससे सीख मिली थी हमें. हाँ. तो हम सीखते थे कुछ. बट आज की जनरेशन अगर ये मूवी देखेगी तो मुझे लगता है जिस तरह अभद्र भाषा का यूज़ किया गया है तो बच्चे उससे सीखेंगे. दिस इज़ नॉट एट ऑल ये मूवी कोई आज की जनरेशन के लिए कोई अच्छी सीख नहीं देके जाएगी. आपको क्या लगा होल व्हेन यू सॉ द मूवी, व्हाट वाज योर? I mean, you know, I don't know what is written in the books, so I think it's better if I won't comment on the story which was shown in the video. But when it comes to visuals, yeah, and the way everything was shown to us, yeah, I think some of the scenes could be better, yeah, because they were unnecessary stretch, and that didn't, yeah, bring anything extra to the story, you know. Overall, अगर आप किसी को suggest करोगे, कोई नया इंसान जो ना first time रामायण देखना चाहता है, कहीं बाहर का है, जिसको पता भी ना हो, उसको आप suggest करो कि ये movie से like learn करना रामायण की. नहीं, इससे पता ही नहीं लगेगा किसी को. जब हमको देख के रामायण पता हो कि हमको ये समझ नहीं आया तो उनको क्या. I mean, it just lacked that softness, वो जो बोलचाल है, जैसे बात करते हैं, इतना मतलब तू तड़ांग और इतना बड़ा अजीब तरीके से बात की गई है इस मूवी में. मुझे समझ नहीं आया कि मतलब यू विल नॉट बी एबल. फ्रॉम व्हाट आई नो, इवन रावणा, यू नो, ही एक वर्ड जैसे बात करते हैं, वाणी जो है बहुत ही अलग अजीब तरह की वर्डिंग यूज की गई है फिल्म में. मुझे ये ऑब्सेशन समझ नहीं आता है कि विजुअल इफेक्ट्स का इतना. अगर हम रेडी नहीं हैं, अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, स्पेशली यू नो रामायण जैसे सब्जेक्ट को आपको इस प्लेटफॉर्म में लाना ही नहीं चाहिए था. अगर आप एक नॉर्मल रामायण रीम यू नो पिक्चराइज करते, जैसी उस रामानंद व सागर की जो सीरियल्स में थी, तो आई थिंक दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन अ बेटर थिंग टू डू इन माई ओपिनियन. क्योंकि ये एज अगेन यू नो पापा ने जैसे बोला कि इट्स जस्ट कन्फ्यूजन. अगर कोई नया बंदा ये देखेगा, एक्चुअली यू नो ही विल लाफ ऑल्सो. और ये बहुत ख़राब बात है, बिकॉज इतनी इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी यूथ से, नई जनरेशन से कनेक्शन की इस यू नो मीडियम के थ्रू, अगर इसको प्रॉपरली डिपिक्ट किया जाता. तो चलो गाइज, ऑन दैट नोट आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा. आई मीन आई अपोलोजाइज कि मुझे नहीं पता था कि मूवी में, बिकॉज अभी रिलीज हुई है, सो आई डेंट हैव एनी क्लू मूवीज़ का क्या था. मैंने सुना था ट्विटर पे इसका टीज़र VFX की वजह से काफ़ी इश्यूज हुए थे इनके टीज़र पे, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्टोरी लाइन भी ऐसी रखी हुई है, फॉर्मेट भी ऐसा है. आई डिडंट हैव एनी आइडिया. तो चलो फिर चलें, चलते हैं. चलो चलो संजय जी, लेट्स गो.